Hello students, how are you? I hope all of you are well. Now I am discussing here evolution from lesson 4. You have already completed lesson 1, 2, 3. Now you have to learn about evolution. Concept of evolution. Evolution kya hai? Origin of a genetically distinct type of organism from the pre-existing life forms through gradual modification is known as evolution. अर्थात life जो form होता है एकदम पहले, जैसे एकदम पहले जो life form हुआ था वो होती unicellular organism, amoeba. उसमें से धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होते होते, मॉडिफिकेशन होते होते क्या हो गया, उसमें से मल्टी सेलुलर, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, उसके बाद मैमल, ऐसे करके फिर जो चेंज हुआ लाइफ का उसे कहता है इवोल्यूशन. जैसे एकदम पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ था, एमीबा. एमीबा होच्छे मल्टी, एमीबा के बाद एमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एमीबा से क्या हुआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद फीस, उसके बाद एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स, ऐसा ग्रेजुअली चेंज होते होते फिर मैमल्स हो. ओरिजिन ऑफ लाइफ. ए आई ऑपरिन एंड जे बी एस हेल्डेन रिगार्डिंग अबाउट इट. ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कौन सा साइंटिस्ट बोला है, ए आई ऑपरिन एंड जे बी एस हेल्डेन. अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, टू टाइप्स. एक हे केमिकल इवोल्यूशन और दूसरा हे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. केमिकल इवोल्यूशन, प्रिमिटिव अर्थ एटमोस्फेयर वाज फुल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फरस एक्सेट्रा, ये सब गैस प्रिमिटिव अर्थ एटमोस्फेयर में था. आफ्टर कूलिंग फॉर्म कॉम्पाउंड मॉलिक्यूल्स. कूल होने के बाद ये सब गैस क्या हुआ, एक कॉम्पाउंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ. जैसे सी और एच, उसमें से सी एच फोर, एन एच से एन एच थ्री. सी एच फोर माने मीथेन, एन एच फोर एमोनिया, एच टू ओ, एच सी एन, सी ओ टू एक्सेट्रा फॉर्म हो गया जूट के. नो फ्री ऑक्सीजन, उस टाइम में एयर में फ्री ऑक्सीजन नहीं था. अंडर सोलर रेडिएशन, थंडर स्टॉर्म, सोलर से जो रे आता है, सोलर रेडिएशन, थंडर स्टॉर्म, यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, इसमें से गैसियस एलिमेंट्स से क्या हो गया, इसके वजह से गैसियस एलिमेंट्स चेंज हो गया स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फिर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ, जिसे कहता है कॉल्ड कोएसर्बेट, कोएसर्बेट. फिर कोएसर्बेट होच्छे प्रिमिटिव सेल, उसमें से माइक्रोस्फियर, माइक्रोस्फियर होच्छे फास्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म. प्रोटोबायन फॉर्म विद न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद प्रोटोबायन फॉर्म हुआ, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो क्रोमोसोम का अंदर है, क्रोमोसोम का एक स्पेशल फीचर. फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल इवोल्यूशन. खाले सिंपल कॉम्पाउंड से कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड फॉर्म होने का जो प्रोसेस है उसे कहता है केमिकल इवोल्यूशन. नेक्स्ट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. ओनली फॉसिल रिकॉर्ड, खाली फॉसिल रिकॉर्ड है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. फॉसिल माने वो सॉइल के ऊपर, स्टोन के ऊपर, रॉक के ऊपर जो छाप है एनिमल का, प्लांट का, वो देख के जो पता चल जाता है कि किसका है, इसे कहता है फॉसिल रिकॉर्ड. वायरसेस एज लिविंग फॉर्म, सबसे पहले लिविंग फॉर्म क्या था फॉसिल रिकॉर्ड में, वायरस. एविडेंस इन फेवर ऑफ
केमोसिंथेटिक थ्योरी। हले केमोसिंथेटिक थ्योरी में जो एविडेंस आए उसका फेवर में क्या है, स्टैनले मिलर एंड हैरोल्ड उड़े केप्ट, दो साइंटिस्ट स्टैनले मिलर एंड हैरोल्ड उड़े केप्ट CH4NH3 एंड हाइड्रोजन मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन 2:2:1 उदिन वाटर वेपर। वाटर वेपर के अंदर ये तीनों को रखा है, मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन, ये तीनों गैस को रखा है 2:2:1 ये रेशियो में। कहाँ पे, वाटर वेपर के अंदर एक फ्लास्क में, ये एक फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर ये वाटर को बॉयल का हीट देने के बाद वाटर वेपर बन गया। इसके अंदर ये तीनों गैस को अमोनिया मीथेन और हाइड्रोजन को रखा है। सम कॉन्डेंस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, तो ये क्या हुआ, फिर ये गैस वाटर वेपर के साथ ये गैस पास होके यहाँ चला आया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क का अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रिक स्पार्क के वजह से वो नीचे आके, नीचे क्या हुआ, यहाँ पे एक कॉन्डेंसर रखा है जहाँ पे वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और यहाँ पे स्टोर हो जाता है और यहाँ से कूल वाटर पास होता है। तो ये पूरा अरेंजमेंट किया है स्टैनले मिलर एंड उड़े। और ऐसे सम कॉन्डेंस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वर प्रोड्यूस्ड, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड होता है। कौन सा नेम क्या है, जैसे ग्लाइसिन ए, ग्लाइकोलिक एसिड, एलानिन ए, लैक्टिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ये सब यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टैनले और मिलर, स्टैनले मिलर एंड हैरोल्ड उड़े ये एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुआ। अंडरस्टैंड नाउ, लर्न एंड रिवाइज दिस फ्रॉम लेसन 4। नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।